हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाइजी पर। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि क्या केस के फैक्ट थे, किस सेक्शंस पर एलिगेशन लगाए गए थे, क्या कोर्ट की फाइंडिंग थी। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी लॉ इंटर्न हैं, न्यू एडवोकेट हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, या फिर आपने अभी LLB करनी स्टार्ट करी है, तो जजमेंट्स के बारे में पता होना और जजमेंट से अपडेट रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें कि हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी तुरंत जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो समझते हैं आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। तो सबसे पहले हायरार्की को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और एप्लीकेंट ने रिस्पोंडेंट के खिलाफ एलिगेशन लगाए डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस के अंदर, कि उन्होंने इस तरीके से मेरे साथ क्रुएलिटी की है, इस तरीके से मेरे साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, मेरे को हर्ट किया है, मेरे को आपराधिक धमकी दी है। इन सभी एलिगेशंस के अनुसार एप्लीकेंट ने रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए और ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेंट के फेवर में डिसीजन दे दिया। अब यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट था वो पीड़ित हो गया। रिस्पोंडेंट ने क्या किया कि हाई कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट में ये जो एलिगेशन लगाए गए थे जिस सेक्शंस के अंदर, उनको क्वेश करने के लिए वो हाई कोर्ट में चले गए, CRPC के सेक्शन 482 के अंदर। अब हाई कोर्ट ने जो थी वो सारी सेक्शंस और जो नॉन वेलेबल वारंट इशू हुए थे रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में, उनको क्वेश कर दिया, उनकी प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया। अब फिर से यहाँ पर पीड़ित कौन हो गया? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट ने फिर से यहाँ पर क्या किया? अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि आज का हमारा मैटर है। और इसमें क्या डिसीजन दिया इसको हम समझेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लॉ के पॉइंट्स को समझ लेते हैं, यानी कि किस सेक्शंस पर एलिगेशन लगाए गए थे, कौन कौन सी सेक्शन जो है यहाँ पर एक्यूज के अगेंस्ट में लगाई गई हैं। सबसे पहली सेक्शन है 323 ऑफ IPC, जो हमें क्या कहती है कि जब भी कोई किसी पर वॉलेंट्री कोजिंग हर्ट करता है, किसी को क्षति पहुंचाता है, खुद क्षति पहुंचाता है, तो उसकी पनिशमेंट 323 में है, उसके अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अगली सेक्शन है 498A ऑफ IPC, जो आप सभी को पता होगा अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जो बात करता है क्रुएलिटी के बारे में, यानी कि वाइफ के अगेंस्ट में क्रुएलिटी करने पर हस्बैंड और उनके घर वालों को सजा इस सेक्शन में मिलती है। या फिर कोई भी पैसे की वो डिमांड करते हैं, गाड़ी मांगते हैं, कोई पैसा मांगते हैं, कैश मांगते हैं, तो ऐसे में ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाती है। नेक्स्ट सेक्शन थी इस केस के अंदर 506, जो बात करती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने आपराधिक धमकी दी कि तुम हमारे घर से नहीं निकलोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम 2 लाख रुपए नहीं लेकर आओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये एलिगेशन जो है लगाए गए थे। और एक और सेक्शन है 504 ऑफ IPC, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करती है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि जब भी वाइफ अपने घर को छोड़कर हस्बैंड के घर पर आती है तो अपने साथ कुछ स्त्रीधन लेकर आती है, कुछ अपनी ज्वेलरीज लेकर आती है जो कि उनके पेरेंट्स की तरफ से दी जाती है या रिलेटिव की तरफ से दी जाती है, तो वो वाइफ जब ये ज्वेलरी लेकर आती है हस्बैंड की डिमांड करने पर हस्बैंड को दे देती है और वो उसे वापस नहीं लौटाते हैं, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाती है, सेक्शन 504 ऑफ IPC। तो ये हमने सेक्शन समझ ली, कौन कौन सी सेक्शंस यहाँ पर लगाई गई थी। अब हम समझ लेते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में कि कब शादी हुई, क्या क्या एलिगेशन जो है यहाँ पर लगाए गए। तो 2018 के अंदर हस्बैंड और वाइफ की जो है शादी हुई थी। शादी होने के बाद जो हस्बैंड था वो जर्मनी में रहता था, तो वाइफ भी हस्बैंड के साथ जर्मनी में चली गई। अब क्या क्या एलिगेशन थे वाइफ के, उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला एलिगेशन तो यही था कि जो हस्बैंड के माता पिता यानी कि मेरे सास ससुर है, वो ये कहकर हमेशा ताना मारते हैं कि तुम पर्याप्त डाउरी नहीं लेकर आए, पर्याप्त दहेज नहीं लेकर आए जितने की एक्सपेक्ट हम
कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि इसको लेकर मेरे को अब्यूज़ किया जाता था, इन बातों को लेकर मेरे को अब्यूज़ किया जाता था, और हम कुछ समय के लिए वापस इंडिया में आए थे, तो उस समय पर भी जो हस्बैंड का बिहेवियर था वो एक अजीब सा बिहेवियर था, जो नॉर्मली उनका बिहेवियर रहता था वैसा बिहेवियर नहीं था। उन्होंने फर्दर एलिगेशन लगाए कि मेरे को बैडली ट्रीट किया जाता है, मेरे को अब्यूज़ किया गया रिस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 के द्वारा भी। यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 8 तक रिस्पोंडेंट यहाँ पर इस केस के अंदर शामिल किए गए थे, और मेरे को जो है मेरे मैट्रिमोनियल होम से भी निकालने की कोशिश की गई। और जब मैं घर आई, अपने मैट्रिमोनियल होम में रहने के लिए आई, यानी कि जर्मनी से वापस आई मैट्रिमोनियल होम में रहने के लिए, तो मेरे को वहाँ से वहाँ पर रहने के लिए भी मुझे रोका गया, मुझको फिजिकली असोल्ट किया गया, और एक दिन तो मुझको जो है कमरे में बंद कर दिया गया। फिर मैंने अपने पेरेंट्स की मदद से जो है अपने पेरेंट्स को कॉल की, उसके बाद मेरे को जो है रूम से निकाला गया, उस कैद से निकाला गया। तो ये सारे एलिगेशन जो है वाइफ के द्वारा, अप्लीकेंट के द्वारा लगाए गए हस्बैंड और उनके घर वालों के खिलाफ। तो ये सारा इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने कंप्लेंट लॉज कर दी, और कंप्लेंट के बाद FIR रजिस्टर्ड हो गई रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 8 के अगेंस्ट में। उसके बाद यहाँ पर नोटिस इश्यू किया गया 3 और 8 को, जुडिशल जो जुडिशल पुलिस थी उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या किया, मजिस्ट्रेट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया उनके घर वालों के खिलाफ, यानी रिस्पोंडेंट नंबर 3 से 8 के अगेंस्ट में। और वो जो थे उस नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद वो हाजिर नहीं हुए, उसके बाद उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही और जो रिस्पोंडेंट की तरफ से थे R3 से लेकर R7 तक, उन्होंने जो है बेल अप्लीकेशन फाइल की, और उन्होंने उनको जो है सक्सेसफुली जो है बेल मिल गई। अब क्वेश्चन के लिए नॉन बेलेबल वारंट जो था हुए थे उनके क्वेश्चन करने के लिए, और जो अदर सेक्शन जो मैंने अभी डिस्कस की थी उनको क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया, CRPC के सेक्शन 482 के अंदर अप्लीकेशन फाइल की, जिसमें कि हाई कोर्ट ने जो थी क्वेश्चन कर दी उनकी सेक्शंस को भी, जो एलिगेशन लगाए गए थे वाइफ के द्वारा हस्बैंड के अगेंस्ट में, साथ ही जो वारंट इशू किए गए थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया, जिसमें कि तीन ग्राउंड जो है निर्धारित किए गए थे। सबसे पहला ग्राउंड क्या था कि जो ये एलिगेशन लगाए गए हैं, जो ये अरेस्ट किया गया है, वो अरेस्ट लॉ के अनुसार लॉ के अनुसार अरेस्ट नहीं किया गया है, वो इलीगली यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। और जो कंप्लेंट में एलिगेशन है ये सर्वव्यापी है, ओमनिबस है, और जमशेदपुर की कोर्ट का ये ट्रायल, क्योंकि ट्रायल सबसे पहले चला था जमशेदपुर की कोर्ट के अंदर, और जो ये ट्रायल चला है जमशेदपुर की कोर्ट के अंदर वहाँ पर उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं था, इसलिए क्वेश्चन के लिए अपील यहाँ पर फाइल की गई है इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट के द्वारा, यहाँ पर अपील फाइल की गई है। उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई, अप्लीकेंट के तरफ से जो काउंसिल थे उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई, हस्बैंड और उनके रिलेटिव की तरफ से जो काउंसिल थे उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई। सबसे पहले समझ लेते हैं हस्बैंड की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट हुई थी। तो सबसे पहला पॉइंट यही था, वाइफ की तरफ से जो काउंसिल थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या की थी, एक बारी जस्ट वेट, मैं अभी आपको हिंदी में पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए क्या क्या एलिगेशंस थे। तो सबसे पहला क्या था कि हाई कोर्ट ने सीरियस एरर किया है प्रोसीडिंग को क्वेश्चन करने में, हाई कोर्ट ने कार्रवाई को रद्द करके गंभीर गलती की है, और वह भी इस आधार पर कि धारा 41A यानी कि सेक्शन 41A ऑफ CRPC जिसमें कि नोटिस भेजा जाता है पार्टी को अपीयर होने के लिए, का अनुपालन नहीं हुआ है, कि 41A का अनुपालन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि यह एक पल के लिए हम मान भी ले जैसा कि गैर अनुपालन हुआ है कि 41A CRPC के नोटिस का पालन नहीं किया गया है, तो इसका परिणाम यह नहीं है
कि कार्रवाई सव्य ही रद्द कर दी जाए। हम यह मान सकते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट आपने रद्द कर दिए, लेकिन कार्रवाई आपको रद्द जो है नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद फिर से एलिगेशन लगाए गए कि अगर कंप्लेंट को सही तरीके से पढ़े तो साफ है कि ऑफेंस बन रहा है और हाई कोर्ट ने पेंडिंग जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह पॉइंट जो है अप्लीकेंट यानी वाइफ के काउंसिल के द्वारा कहा गया। हाई कोर्ट ने कार्रवाई को शुरू में ही रोक लगाने से खुद को रोकना चाहिए था, यह बात भी कही गई। और उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब ट्रायल कोर्ट ने ज्यूरिडिक्शन मानते हुए तर्कसंगत आदेश पारित किया है तो हाई कोर्ट टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं कर सकता है, यह बात जो है कही गई। उसके बाद फिर से और एलिगेशन क्या लगाए गए, जो काउंसिल थे वाइफ के द्वारा उन्होंने क्या कहा कि वह अदालत का ध्यान अपीलकर्ता के द्वारा दायर की गई शिकायत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके परिमाण स्वरूप R3 रिस्पोंडेंट नंबर 3 से लेकर रिस्पोंडेंट नंबर 8 के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इनमें लगाए गए आरोप से अपराध का खुलासा हो गया है और इस प्रारंभिक चरण में एक मिनी ट्रायल आयोजित किया जाए हाई कोर्ट के द्वारा अस्वीकार्य था और हाई कोर्ट ने एरर किया, जो एक प्रिंसिपल निर्धारित किया गया था उसका वोलेशन किया। किस केस के अंदर, वो केस मैं आपको बता देता हूँ जो आप जजमेंट में भी पढ़ेंगे, रूपाली देव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का केस, जिसमें कि कुछ प्रिंसिपल निर्धारित किए गए थे जो ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड है, जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि जब पत्नी वैवाहिक घर से बाहर निकल जाने के बाद आश्रित रहती है, क्योंकि यहाँ पर इस केस के अंदर क्या हुआ था कि वाइफ ने मैट्रिमोनियल होम को छोड़ दिया था और वो अपने पेरेंट्स के घर पर रहने लग गई थी और रिश्तेदारों के साथ रहने लगी, तो जिस क्षेत्र अधिकार में वह रह रही थी वहाँ दर्ज की गई शिकायत को ज्यूरिडिक्शन, वह ज्यूरिडिक्शन होगा और क्षेत्र अधिकार वाली होगी और जिसके सिद्धांत का पालन किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा निर्णयों और इन पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो ये कुछ एलिगेशन लगाए गए फिर एक्यूज़ की तरफ से, जो काउंसिल थे उन्होंने काउंटर क्लेम करते हुए, काउंटर क्लेम नहीं मतलब उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में क्या पॉइंट रखे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट ने राइटफुली तरीके से प्रोसीडिंग को क्वैश किया है क्योंकि उनके फेवर का ये डिसीजन था, तो उन्होंने यही पॉइंट कहना था। और सेक्शन 41 CRPC के तहत R3 को नोटिस भी उन्होंने सर्व किया था। उसके बाद जबलपुर का टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं है क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो थी जबलपुर के अंदर थी और जबलपुर कोर्ट ने जो है डिसीजन यहाँ पर दिया था और ये कह रहे हैं कि उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं था। और शिकायत में आरोप था कि R3 और R8 के विरुद्ध सामान्य प्रवृत्ति के और सर्वव्यापी हैं, जिसमें कि एक केस का भी रेफरेंस दिया गया था एक्यूज़ की तरफ से, जो काउंसिल थे जिसमें कुछ बातें निर्धारित की गई थी। केस का नाम मैं बताता हूँ, जो इस जजमेंट को डाउनलोड करेंगे तब भी आपको पता चलेगा, सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI 2021 का केस था। इस केस में स्पष्ट किया गया था कि CRPC के सेक्शन 41A के अंदर अगर नोटिस नहीं दिया जाता या फिर नोटिस इसका इस सेक्शन का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई आगे जारी नहीं की जा सकती। तो ये आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों की तरफ से और कोर्ट ने सुना दोनों की आर्ग्यूमेंट्स को। और इसके अलावा दोनों ने बहुत से केसेस का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने क्वैश की है इन सभी सेक्शंस को, इन नॉन अवेलेबल वारंट्स को, वो सही नहीं किया है क्योंकि कंप्लेंट में पता चल रहा था ये सारे फैक्ट यहाँ पर सामने थे और यहाँ पर हाई कोर्ट ने एरर किया है इन सभी सेक्शन को क्वैश करते हुए, तो हम हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द करते हैं और इस अपील को जो है ग्रांट करते हैं। तो वाइफ के फेवर में जो है डिसीजन दिया गया। अब आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैं अगर बताऊंगा तो बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब इतनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है जिससे कि आप इसको जो है एक तरीके से रिकॉल कर पाएंगे जब आप जजमेंट को पढ़ेंगे।
अब आप फास्टली समझ पाएंगे जजमेंट्स को। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की वीडियोस के लिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।